फिल्म जो हम लोग कर रहे हैं शटडाउन, इसके सब स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर लोग टीम है। अभी गुलशन नैन इसमें मेन लीड कर रहे हैं और एरिका मेन लीड फीमेल, और अपने आदर्श जी ये सब नीचे जो प्रोड्यूसर हैं। अभी जो फिल्म है शटडाउन, एक्चुअली ये वर्ड बहुत ही कॉमन था किसी समय पे। आज के टाइम में तो खैर न्यू जनरेशन तो नहीं जानेगी, और शायद लास्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू दे रहा था मनिहार के लिए तब भी शायद आप थे, तो अभी मैंने कहा था हमने थोड़ा सा यूनिक यूनिक कंटेंट्स लेके आ रहा हूँ, कुछ ऐसे कंटेंट्स जिनसे अभी आज के न्यू जनरेशन जो है कहीं ना कहीं रूबरू नहीं है। और शटडाउन से जुड़ा हुआ है लैंड मैन। एक्चुअली लैंड मैन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पहले किसी भी मोहल्ले, किसी भी गाँव, किसी भी छोटे तबके के शहरों की जान होता था। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो टीवी चलाते थे, और हो सकता है कि टीवी पे कभी कभी कोई सीरियल आ रहा होता था और सडन लाइट चली जाती थी। वी वर वेटिंग फॉर दैट कि शटडाउन ले लिया, लाइट चली गई, तो वो लाइट डिसकनेक्ट को ही हम लोग शटडाउन कहते हैं। और शटडाउन एक्चुअली डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिजली विभाग होता है उसकी तरफ से लिया जाता है, जब कहीं कोई रिपेयरिंग करनी होती है या कहीं लाइन टूट गई है उसको वापस से कनेक्ट करना है, देन वी टुक शटडाउन, वी टेक शटडाउन। अब इसी से जो जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जो हमारी फिल्म है वो एक व्यक्ति के ऊपर है जो कि लाइन मैन है पेशे से, और बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। वो कंज्यूमर से जूझता है बड़ी मुसीबतों के साथ में, और वो 2003 की कहानी है। एक्चुअली आपने देखा भी होगा कि जैसे टाइटल के नीचे लिखा हुआ है शटडाउन और एक डेट डली हुई है, वो डेट क्योंकि मैंने जब पोस्टर भेजा अपने स्टार कास्ट को भेजा गुलशन जी को, तो उन्होंने कहा सर ये डेट आपने ना गलती से गलत कर दी है, वो टू ये लगा रिलीज डेट है। 2023 होना चाहिए था एंड यू मेड इट टू 2003। तो मैंने बताया एग्जैक्टली दिस इज आवर टाइटल, ये उस डे वो ये वो डेट है जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट की वजह से एक लाइनमैन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उसके पीछे क्या क्या रहा कि उस बंदे ने एक छोटी सी जो है चीज की वजह से और एक छोटी मिस्टेक की वजह से उस बंदे के पूरे हाथ चले गए। मतलब वो आज उसके हाथ नहीं है, ही इज स्टिल अलाइव, प्रमोद उनका नाम है, बट उनके हाथ नहीं है, मतलब हाथ उनके कट चुके हैं। और वो फोर्थ क्लास लेवल का एक एम्प्लॉय था बिजली विभाग के अंदर, और लाइन पे 11,000 की लाइन के ऊपर काम करते हुए एक करंट का शॉक लगा और उसकी वजह से उनके हाथों में हाथ जल गए और हाथ काटने पड़े। तो उनकी पूरी जर्नी है इस फिल्म के अंदर, किस तरीके से उन्होंने पहले उनकी ज़िंदगी थी और हाथ कटने के बाद में कैसे अभी वो अब तक स्टिल वो कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं उसके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सस्पेंस भी है, बहुत कुछ लोगों को देखने को मिलेगा, एक हटके कंटेंट है और मज़ा आने वाला है ऑडियंस को देखने। ओके गुलशन कितनी तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाइन मैन कहीं कुछ कनेक्शन अगर गलत जुड़ गया तो गड़बड़ भी हो सकता है। और कनेक्शन को देखिए, सबसे पहले तो संजीव जी से 2 साल से जुड़ा हुआ है, जुड़ रहा था, जुड़ते जुड़ते रह रहा था, फाइनली अभी जुड़ा है, अर्थिंग अब मिल गया, अभी मिल गया, अभी पूरा लाइट आएगा। तो बेसिकली स्टोरी जो है बहुत ही अलग है जैसा इन्होंने बताया अभी तक, और बेसिकली यही है कि हीरो सिर्फ वही नहीं होता जो लाइमलाइट में आता है या हम देखते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के वर्कर्स हैं, सेकंड कैटेगरी के वर्कर्स हैं। हीरो हर इंसान अपनी लाइफ में एक हीरो ही है, तो हर जगह आपको मिल सकते हैं ऐसे हीरोज, तो ये उसी एक हीरो की कहानी है और बहुत ही अलग है, और बहुत मैं आज तक जैसे रोल्स करता आया हूँ उनसे बहुत ही हटके है और मज़ा आएगा करने में। कितनी तैयारी कर रहे हैं इस किरदार को लेके? अभी देखिए कल ही मुझे सब पता लगा है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है, अभी बैठेंगे संजीव जी के साथ और करेंगे तैयारी शुरू। चलिए निहारिका आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे हमेशा से यही मन रहा था कि इस तरह के कैरेक्टर्स हो जो चैलेंजिंग हो और जो एक्चुअली में काफ़ी इंटेंस हो, जो आप रियल लाइफ में खुद से रिलेट कर पाए, अपने परिवार से रिलेट कर पाए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उन चीज़ों से रिलेट कर पाए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यू नो प्ले अ कैरेक्टर जिसको हर कोई रिलेट कर पाएगा, बिकॉज हम बेसिकली देखें इंडिया में तो मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कहानी ऐसी है जो हर मिडिल क्लास का इंसान रिलेट कर पाएगा, स्पेशली उन दिनों से जो जैसा संजीव जी ने बताया कि किस तरीके से लाइन मैन का काम हुआ करता था, बिजली किस तरीके से घरों में आती थी, शटडाउन वाली कहानी। सो वो सारी चीज़ें ना सिर्फ यंग जनरेशन के लिए इंफॉर्मेटिव होगा बल्कि उन लोगों के लिए एक यू नो एक रीलिविंग मोमेंट होगा जो लोग ऑलरेडी इस दौर से ऑलरेडी निकल चुके हैं। सो आई थिंक बहुत सारी इमोशंस इन्वॉल्व है कहानी में, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट।
तो कभी रियल लाइफ में लाइट, घर का लाइट गया हो, शटडाउन हुआ हो, कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप उसको, आपको हेल्प करेगा आपके किरदार को करने में इस फिल्म में, शटडाउन में? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। आई मीन स्टार्टिंग में जब हम छोटे थे तो कभी नानी के घर जाना हुआ करता था, तो वहाँ लाइट जाती थी, कहानी होती थी कि लाइट जाती है, और बच्चे ऑब्वियसली गांव मतलब रूरल एरिया में कहानियां बनाया करते थे कि इतने बजे अंधेरा होता है और उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है, तो नई नई जो कहानियां बनती थी वो सारी चीजें दिमाग में आएंगी, ऑब्वियसली फ्लैशबैक आता रहेगा, और आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक हेल्प करेगा कि हाँ हमने भी वो शटडाउन देखा है कहीं ना कहीं बचपन में, एक दो बार ही सही बट देखा जरूर है, सो डेफिनेटली विल हेल्प। संजय जी, अब तो लाइट 24 घंटा रहती है मेरे ख्याल से, यूपी की बात मेरे ख्याल से आप करना चाह रहे होंगे, क्योंकि जहाँ नाम यूपी आता है वहीं अंधेरा दिख गया तो मतलब समझ जाओ यूपी है, गड्ढे नहीं सर, हाँ गड्ढे और लाइट अंधेरा दिखे तो समझ जाओ यूपी है जी। नहीं नहीं, अभी तो देखिए यूपी, क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ, और अभी पहले होता था कि जहाँ से गड्ढे शुरू होते हैं वहाँ से यूपी शुरू होता है, और जहाँ आप अगर आपको जाते जाते रात हो गई और समझो कि अंधेरा शुरू हो गया, उजाला नहीं है रोड के ऊपर, समझ जाइए आपने यूपी के अंदर एंट्री कर ली। करेक्ट, तो यू आर वेरी, मेरा कहने का मतलब वही था, आपने पकड़ लिया बराबर जी जी। लेकिन अभी अभी बहुत कह सकते हैं कि अभी जहाँ से यूपी शुरू होता है वहाँ से गड्ढे खत्म हो जाते हैं, और जहाँ यूपी शुरू होता है वहाँ लाइट शायद हमेशा ही रहती है, क्योंकि मैं अभी जाता हूँ कभी कभी, मैं मथुरा से हूँ तो जाता हूँ घर तो देखता हूँ लाइट ही नहीं जाती, मैं पूछता हूँ कि यार अब लाइट नहीं जाती, नहीं नहीं अभी अभी लाइट जाती नहीं है, और स्पेशली अपने योगी बाबा तब से आए हैं तो उन्होंने तो इतना चीजें कर दी है कि अभी लाइट का जाने का मतलब ही नहीं, और गड्ढे तो होने नहीं चाहिए रोड, उन्हें पसंद नहीं। इन दोनों का कैसे चयन हुआ और कैसे जहन में आया किरदार को लेके, निहारिका और गुलशन के? एक्चुअली निहारिका को लेके मैं पहले बोलूंगा कि जब मैं इस फिल्म को प्लान कर रहा था, ये काफी हम लोगों ने शायद एक साल से हम लोग इसके ऊपर वर्किंग है, और कई सारे जो है सिर्फ फिल्म का जो नींव है वो एक करेक्टर से नहीं रखा है, और भी इसी डिपार्टमेंट के जो बिजली विभाग के लोग होते हैं उनसे मैं बहुत कनेक्टेड था, मेरी भी फैमिली से बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे, बट एक फंक्शन में मेरे को बुलाया गया, स्पेशली मुझे बोला कि यार आपको आना है और यहाँ हम लोग इस तरीके से एक डेडिकेट करना चाहते हैं किसी को, जिनके हाथ नहीं है उनके हाथ कट गए, और वो लाइनमैन हुआ करते थे, फोर्थ क्लास के लोग जो है भाई थे वो, और प्रमोद जी, तो मैंने कहा सर आई विल डेफिनेटली कम, बट किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया, तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी एग्जामिनेशन किया है कि हम लोगों को सीखना चाहिए इस चीज़ से, क्या हीरोज कि हम लोग समटाइम पीपल्स आस्क कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये हीरोज बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हीरोज हैं जो ऊपर से बन के आते हैं, देन आई डिसाइडेड कि मुझे इस फिल्म के ऊपर काम करना चाहिए और मैं इस पर काम करूँगा, ये सोचा मैंने। और एरिका का जब मैं, मुझे लगा कि यार इस करेक्टर के अंदर, क्योंकि उनकी पूरी जर्नी मैंने पढ़ी, उनकी पूरी लाइफ के बारे में मैंने जो है समझा, उस करेक्टर के लिए मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर एरिका लगी। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस भेजे हुए थे, बट आई डिसाइडेड कि नहीं ये करेक्टर इस करेक्टर के अंदर फिट है, और उसके बाद क्योंकि वो जो करेक्टर है वो सिंपल सोर नहीं है, वो आज 55 साल की एज में भी विदाउट हाथों के ना होते हुए भी वो इतना बेहतर काम करते हैं कि जिनके हाथ हैं वो उतना बेहतर नहीं कर पाते जो बिना हाथों के इतना बेहतर कर रहे हैं। आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स थोड़ी देर बाद, हम लोग अभी स्क्रीन पर देखेंगे कि ही इज स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल डूइंग, मतलब लाइट का वो कि हम लोग डरेंगे यार वायर को छुएं कि नहीं छुएं, कैसे हाउ टू कनेक्टेड, कि हम उंगलियों के होते हुए ना ज्वाइंट नहीं कर सकते, वो विदाउट हाथों के कैसे ज्वाइंट कर रहे हैं। तो जब उनकी इतना मैंने देखा कि यार ये बंदे कितने मतलब कह सकते हैं कि बहुत ब्रेव हैं, और तो उसके लिए मेरे को ब्रेव करेक्टर चाहिए था, मैं एक ऐसा परफॉर्मेंस उसको बखूबी परफॉर्म कर पाए, तो गुलशन भाई मेरे से लास्ट 2 ईयर से जुड़े हुए थे और इन्होंने लास्ट फिल्म भी की, तो इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में मेरे को बताया कि इतना स्ट्रगल मैंने किया, क्योंकि इन्होंने अभी फिल्म की कह सकते हैं ईस्ट से लेके वेस्ट और वेस्ट से लेके नॉर्थ साउथ सब जगह इन्होंने शूट किया, और टिपिकल टू टिपिकल लोकेशन पे इन्होंने शूट किया, तो आई वॉन्टेड कि मुझे ऐसे डेडिकेटेड एक्टर फॉर मतलब चाहिए इस करेक्टर के। तो गुलशन भाई आप तो चेहरे से लाइनमैन लगते नहीं, आप तो एकदम कैसे करोगे? वही तो करना है, उसी में तो मजा है, जैसा तुम नहीं लगते वही तो करना है। नहीं, okay. इसका मैं जवाब देना चाहूंगा सर कि हम लोगों के अंदर पता है एक क्या है कि फोर्थ क्लास का और लाइनमैन ऐसा लगता है, करेक्ट? नहीं नहीं, एक चीज ये क्वेश्चन रहता है कि आपने ऐसे क्वेश्चन था आप लाइनमैन नहीं लगते, तो लाइनमैन होते कैसे, इंसान है, दे आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे लाइनमैन दिखा सकता हूँ दे आर वेरी मॉडर्न इन रियल लाइफ। जब मैं छोटा था तो एक लाइनमैन ही थे, हम लोगों की एक्चुअली फैक्ट्री थी, आइस फैक्ट्री थी, तो कभी कभी
होता था, चोरी से लाइट चलती थी, तो एक बंदा आता था उस टाइम, पैशन बाइक चलती थी सर, तो पैशन बाइक पे वो आता था और थोड़ा बड़ा प्यारा सा टीका लगा के रखता था, लुकिंग हैंडसम। शायद मैं आई विल प्रेजेंट हिम जब मैं फिल्म करूँगा तो इस उनको मैं दिखाऊंगा शायद, अभी कैसे लगते होंगे आई डोंट नो कि ये अराउंड 20 ईयर्स होने को आ गए उस बात को, तब वो आते थे एकदम हैंडसम लगते थे, लाइन मैन थे, यहाँ प्लास लगाना एकदम दिखना यार ये क्या मतलब हीरोइज्म उसके अंदर दिखता था। तो मैं कह सकता हूँ देखिए कि कोई भी बंदा किसी भी करेक्टर से किसी फेस से कहीं हम कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सकते, वो तो डिपेंड करता है कि अगर इनफैक्ट ये इस लाइन में नहीं होते और हो सकता है इन्होंने उसके लिए अप्लाई किया होता तो लाइनमैन हो सकते थे, तो ऐसा नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और काम के अकॉर्डिंग हम लोग फेस को डिसाइड कभी नहीं कर सकते, वो तो कोई भी हो सकता है ना। ऐसे ऐसे हैंडसम लोग फोर्थ क्लास में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप हीरो ना वो फेल लगेंगे उनके सामने, फोर्थ क्लास में दे आर जॉइनिंग इन फोर्थ क्लास, तो दिस इज नॉट की। और हम लोग बाकी तो पूरा प्रिपरेशन करेंगे, एक्टर है वो तो कुछ भी करेंगे। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये हमारे को प्रोड्यूसर हैं नितिन चतुर्वेदी जी सर, जयंत पांडे जी, और दो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं को प्रोड्यूसर वो अभी दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो हैं हमारे साथ में ही और हमेशा साथ में रहेंगे। अब हैं जो एक नाम और है तुषार वर्मा जी और जय सिंह सोलंकी जी, ये हमारी पूरी टीम है और हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर करने की और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इसको आगे सराहेंगे और जितना अच्छा आप लोग दिखाएंगे उतना अच्छा वो दिखने वाली भी है। थैंक यू शेख, शुक्रिया, धन्यवाद। चतुर्वेदी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको वाकई में बिजली विभाग के बिजली मेरा सब अपना बिजनेस है, पिछले 40 साल से मैं इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ और उसके बाद उसी सिलसिले में मेरे को ये मालूम है जो एक लाइनमैन होता है वो बिल्कुल बैकबोन होता है सर, इस डिपार्टमेंट का बैकबोन है। प्रॉब्लम फाइनली आप कहीं भी होगी कुछ भी होगी फाइनली उसी के लेवल पे आती है, उसे सॉल्व उसी को करना होता है और ये एक अकेले आदमी की स्टोरी नहीं है, ये उन सभी आदमियों के जितने लाइनमैन है जिनकी जो कि परमानेंटली डिसेबल हो गए या जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ये सब उन सबके को एक ऑनर है उन सबके लिए कि वो आए लोगों को मालूम पड़े कि क्या वास्तविकता होती है, एक अकेले आदमी की स्टोरी नहीं है, लेकिन उन सबके लिए हम कुछ कर नहीं सकते दिखा नहीं सकते, तो एक ही लेकर के मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या उनका रोल है जो आप लोग की लाइफ में जो आप लोग आराम से बैठे होते हैं एसी का मजा ले रहे हैं टीवी चला रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी का रोल है तो एक लाइनमैन का रोल है। ये बस इसी को दिखाने के लिए जब संजीव जी से मुलाकात हुई और इनके साथ डिस्कशन हुआ तो ये समझ में आई बात जो है कि सब इस ये हम दोनों एक ही माइंडसेट था कि भाई इसके ऊपर आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए जो एक छिपे हुए हैं जिनके बारे में कोई लोग जानते ही नहीं है कि लाइनमैन, हम लोग तो बस ये जानते हैं लाइनमैन आएगा प्लास से बिजली जोड़ के चला जाएगा लेकिन एक्चुअली क्या उसकी क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है हम लोगों की जिंदगी में, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, हजारों लोग ये हजारों लोग हैं और सैकड़ों लोग जो जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है जो कि मर गए खत्म हो गए परमानेंटली डिसेबल हो गए उनका कहीं कोई नाम नहीं आया कुछ नहीं आया, तो एटलीस्ट लोगों को मालूम पड़ा कि वो लोग क्या है और किस तरह से उसी को दिखाने का प्रयास है जो आगे कोशिश कर रहे हैं संजीव जी के साथ। पांडे जी आप क्या कहना चाहोगे? कभी बिजली गई थी आप बचपन? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी भी यहाँ बॉम्बे में नहीं है ओवरहेड लाइंस मगर वहाँ पर ओवरहेड लाइंस हैं यूपी में, मैं भी यूपी को बिलोंग करता हूँ लखनऊ को, और लाइनमैन बहुत ही लोली पेड एम्प्लॉई है बिजली विभाग का मगर उसको 24 घंटे ऑन टोज रहता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उसकी अप्रोच होती है वहाँ पर पहुँच के क्या डिफेक्ट है क्या फॉल्ट है उसको रेक्टिफाई करने का, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है उसकी स्ट्रगल कैसी है लाइफ में वो पूरा, और उसकी वाहवाही भी होती है जब लाइट आती है तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अब हम सब इन्जॉयमेंट इंटरटेनमेंट वगैरह सब कर सकेंगे, तो ये उसके ऊपर लाइफ है। हम लोग बहुत इसके बारे में फ्यूचर के बारे में बहुत ही फिल्म के बहुत ही पॉजिटिव हैं कि ये बड़ा अच्छा, एक तो मतलब ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी जैसे सोल्जर होते हैं वैसे ही लाइन मैन भी हैं, उनके लिए हम फिल्म डेडिकेट कर रहे हैं। थैंक यू आप बिकिंग तो आप जी नमस्कार सभी को, सबसे पहले मैं संजीव सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, और बेसिकली मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैं एक लाइट मैन से स्टार्ट किया था फिल्म लाइन में और आज मुझे एक ऐसा मौका मिला जो लाइन मैन का एक्चुअली कास्टिंग करने का मौका मिला, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और ये जो स्टोरी है मेरे गाँव से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारे गाँव में कभी बाँस आप जानते होंगे कि बाँस और तार से वो कनेक्शन हुआ करता, तो रात में जब कट जाती तो रात को भी फ़ोन करते तो लाइन में आते थे जोड़ने के लिए। बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छा, हम एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे टीम के जरिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब आप सजवेश
ये कहाँ कहाँ पे शूट होने वाला है और कब कब जा रहे हैं आप शूट पे और क्या तैयारी है शूट की? और ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, गांव जब जाते थे तो रामायण देखने के लिए जब लाइन चली जाती थी तो तमाम गालियाँ मुझे निकलती थी कि अरे इसी टाइम को लाइन जाना था। हाँ, बहुत तो, इतनी गालियाँ देते थे सच में, वो लिमिट क्रॉस कर देते थे, वो नहीं बोल सकते। हाँ, वो ऐसा होता था, और शक्तिमान के टाइम पे होता था एक्चुअली हमारे। हाँ, रामायण के टाइम पे नहीं होता था, रामायण थोड़ा सा पहले हो गया था, शक्तिमान के टाइम पे होता था। अच्छा, इसका जो शूट है फिल्म का, ये हम लोग फतेहपुर सीकरी में करने वाले हैं, आगरा के पास, और बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत पॉपुलर भी है आगरा। आगरा का भी हम लोग शूट दिखाएंगे फिल्म के अंदर, आगरा को भी हम लोग फिल्माएंगे। और नहीं नहीं, सब्सिडी का देखिए, सब्सिडी तो अब योगी जी जब दे रहे हैं तो हम लोग देखे पीछे नहीं हटेंगे, वो देंगे तो हम लेंगे। हाँ, अब तो देखिए बिहार झारखंड में 70 है, तो सही है आपको, हम लोग बिहार में शूट कर लेंगे। आप बोलिए, अगर आपके ऐसी कोई जुगाड़ है तो हम लोग बिहार चलते हैं। अभी तो हम लोग एक्चुअली 10th से 10th of February से प्लानिंग कर रहे हैं, 10 से 15 के बीच में। ऐसा मत बोलिए, योगी जी नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं भाई, हाँ यार, बिहार को नहीं चलते। योगी जी देखिए, योगी जी को मैं बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली वी विल प्लान देयर। बट क्या है, योगी जी मेरे लिए बहुत ऊपर है, और योगी जी की सब्सिडी की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, हम लोग शूटिंग नहीं कर रहे। अभी भी मनिहार करके आया हूँ, और इससे पहले मैंने फिल्म स्टार्ट खत्म की थी दो अजनबी, वो तो हम लोगों ने इसी मंथ जो है लास्ट ईयर खत्म की थी, -4 में शूट किया था, आर्य बब्बर वगैरह सब लोग थे उसमें। तो अभी मैं हर स्टेट में शूटिंग करता हूँ, ऐसा नहीं है, बट ये वहाँ की स्टोरी है ओरिजिनली, तो इसलिए हम लोग ये वहीं शूटिंग करेंगे। और जो स्पेशल ये वो वहाँ ये है कि जितनी लाइन्स हैं अभी वहाँ ओपन लाइन्स हैं जिन्हें हम दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं इस फिल्म के जरिए से मैसेज भी जाएगा कि योगी जी तक की अभी जो ओपन लाइन्स हैं उन्हें भी अंडरग्राउंड कराया है। हाँ, ये फरवरी में हम लोग करने वाले हैं, और 10 से 15 नहीं नहीं, अरे सर क्या बात कर रहे, माइनस में सर अभी तो सर मैं आप कहाँ से मान लो चलिए, विश्वास थैंक यू सो मच। अरे हमारे